बताया कि यहाँ पे एक लड़का था, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था, उसको भाई शूट कर दी वहीं पे उसी दिन से, और पैसे वैसे छीन लिया भाई उसी दिन से। तो गाइस कुछ ऐसी स्टोरी है, ये गांव का पूरा ये भाई बॉर्डर बना हुआ है जाली, इधर लोग आते नहीं क्योंकि इस प्लेस को भाई हॉन्टेड प्लेस बताते हैं, इसलिए भाई इधर जाली लगा दिया गया है पूरा, इधर से लोग अंदर की साइड नहीं आते। आवाज़ कोई आ रही है गाइस अंदर से? कुछ 10:00 और अभी हम अपने भाई सुनसान सड़क पे खड़े हैं और ये हमारा कैमरामैन अंकित और अपना बाइक तो रेडी है ब्लॉग बनाने के लिए। और आज की कुछ ऐसी स्टोरी है गाइस, आज हम चल रहे हैं भाई एक ऐसा मतलब कि संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ पे मतलब कि एक जानवरों का हॉस्पिटल है, उसमें भाई एक लड़का काम करता था, जॉब करता था मतलब पार्ट टाइम, ठीक है। तो उसका ऐसा सिस्टम था भाई कि वो डेली वहाँ पे जॉब करने आता था। एक दिन उसका मतलब कि एक दिन वो रात में अकेला वहाँ पे था तो कुछ भाई गुंडे टाइप के मतलब लोग आए उसका वहाँ पे पैसे वैसे छीन कर उसको वहीं पे मार दिया था। तो यहाँ की कुछ ऐसी स्टोरी है गाँव के लोग बताते हैं, ठीक है। और अभी हम फिलहाल चलते हैं उस लोकेशन पे, चलते हैं देखते हैं सच में आज हमको कुछ हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है कि नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है गाइस। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं और उस लोकेशन पे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। लाल अभी मेरे पीछे भाई कई लड़के मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब अपना भाई दुकान उकान बंद करके मतलब यहाँ पे कुछ दूर पे ही चौराहा है तो वहाँ से ये सब मतलब अपनी दुकानें बंद करके इधर से जा रहे हैं, ठीक है। और अभी टाइम गाइस यहाँ पे पहुँचने के बाद हो गया है 11:20, ये टाइम हो गया है। तो हमारे साथ में कुछ यहाँ पे लड़के वड़के खड़े हैं, इनको आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने देख लीजिए सब अपना भाई दुकान उकान बंद करके जा रहे थे, हमको हमारा कैमरा देख के सब रुक गए। और तो गाइस अभी हम इन सबसे पूछते हैं भाई मतलब इधर ये सब यहाँ के लोकल के मतलब रहने वाले हैं, तो इनसे हम पूछते हैं भाई इस जगह के बारे में कि यहाँ पे सच में भूत वगैरह मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। भाई ऐसा बताओ कि आप रात में इधर डेली जाते हो ना? हाँ। कितने बजे लगभग? लगभग करीब 10:30 10:30 डेली जाते हो? डेली आते। तो इस जो मतलब यहाँ पे घर है भूतिया, इसके बारे में कभी सुना है किसी लोगों से कि यहाँ पे सच में भूत वगैरह रहते हैं? हाँ, सब लोग कहते हैं इधर बहुत भूत उत रहता है, आवाज आवाज हम लोगों को सुनाता है रात। अच्छा अच्छा, सुनाई पड़ता है। तो गाइस आज हम चलने वाले हैं अंदर, अपना एक्सपीरियंस खुद आपके साथ शेयर करेंगे, देखते हैं सच में यहाँ पे भूत वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी ये सब लोग तो यहाँ के लोकल के हैं, ये सब बता रहे भाई कि यहाँ पे सच में मतलब भूत वगैरह ऐसे कुछ सिस्टम है। अभी हम उधर हमको अंदर जाना है भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है मेरे साइड में, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो अभी हम लाइट लेके अंदर के साइड चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भूत मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी बस चलते हैं। सो गाइस फाइनली उस लोकेशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है, और हमारे पीछे वो घर है जो एक हॉन्टेड संस्था है। और गाइस हमारे पीछे भाई कुछ मतलब कि इंसान दिख रहे हैं, पता नहीं ऐसा लग रहा है भाई सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए, रास्ते से जा रहे थे। और हमारे सामने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, ये भाई रोड है, ठीक है, और सामने वहाँ पे वो देखो कोई सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहा है। सिगरेट पी रहा है क्या है भाई ये? एक मिनट, फोकस नहीं हो पा रहा गाइस। गाइस ये देखो सामने अभी हम इस रोड पे खड़े हैं, ये पुल है और यहाँ से हमको सीधा जाना है अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। सो गाइस अभी हम यहाँ से रास्ते से पैदल जा रहे हैं और अभी हमारे सामने जो भाई इंसान यहाँ पे बैठे थे, पता नहीं सिगरेट पी रहे थे क्या पी रहे थे, अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे सामने, एकदम यहीं इसी जगह हमने देखा था और अब देख रहे हैं कि पूरा खाली हो गया है रोड और हमारे सामने भाई वो सोसाइटी आ गया है, संस्था, ठीक है। तो अभी फाइनली हम अंदर चल रहे हैं और गाइस हमारे सामने ये सोसाइटी है, ठीक है, और ये गेट बंद है, देखो अंदर से लॉक है और हम अंदर की साइड पूरा ये रूम वगैरह बना हुआ है पूरा भाई, पूरा हॉरर। और बगल में भाई गांव है जो कि गांव के लोग इधर आते नहीं है, पूरा ये संस्था आपको दिख रहा है। अभी हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। सो गाइस अभी हम भाई गेट से लॉक था अंदर से, हम भाई गेट में किसी तरह अंदर घुसे हैं और अभी अंदर पूरा भाई खाली है। हम हैं कैमरामैन है जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया और अब अंदर चलते हैं भाई, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं क्या सीन है। तो आ जाओ भाई, पूरा एक गेट बंद था और संस्था के अंदर एक गाय हमको दिखी हुई भाई चढ़ते हुए, गौ माता दिखी है। और ये देखो रात में इतनी ज़्यादा भूखी है, रात में चढ़ रही है। और ये पूरा सोसाइटी वगैरह जो आपको बता रहे थे पूरा खाली, देखो
सो गाइस अभी एक चीज हम आपको और बता दें गाइस, हम रास्ते से आ रहे थे तो हमारे मतलब कि जान पहचान के भाई रास्ते से जा रहे थे तो उनको भी हमने रास्ते में अपने साथ ले लिया। इनका नाम है सनी तिवारी जो कि पिछले वीडियो में एक बार आए भी थे। तो हम तीन लोग आए हैं, एक कैमरा मैन है जो हमारे सामने है मतलब कि लाइट दिखाते हुए, और बाकी ये सनी। तो भाई ये बताओ, हमने सबने सुना है भाई बहुत पुरानी स्टोरी है भाई, यहाँ पे जो कि आदमी की मतलब कि मार दिए थे और पैसे वैसे ले लिया था। तो ये सच में कभी एक्सपीरियंस लिया तुमने भूत का यहाँ पे? जी भाई, एक बार हम आए थे यहाँ पे तो अजीबो गरीबो आवाज़ आ रही थी। तो भाई हम अकेले थे तो हमने घर पे जाके पूछा, हम मतलब अभी हमारी एज तो क्या नाम 19 है, तो हमने पूछा जाके तो भाई यहाँ पे क्या तो बताया कि यहाँ पे एक लड़का था, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे। तो उस क्या नाम उसका, यहाँ के जो ओनर थे वो कहीं चले गए थे तो वहाँ पर अकेला था तो पहले पैसा कलेक्शन कर रहा था। तो कुछ लोग मतलब तब उस जमाने में डाकू वगैरह बहुत रहते थे, तो क्या हुआ कि वो अकेला था तो वहाँ पर वो लोग आके अटैक कर दिए। वो पैसा दे नहीं रहा था कि भाई अपना पैसा कोई देगा नहीं, क्योंकि ओनर डांटेगा भाई ना, तो उसको भाई शूट कर दिए वहीं पे उसी दिन से और पैसे वैसे छीन लिया भाई उसी दिन से प्रॉब्लम। तो गाइस कुछ ऐसी स्टोरी है ठीक है, और हमारे सामने पूरे पीछे संस्था है, दूर तक पीछे अभी बहुत दूर है, अभी पूरे आपको वीडियो में दिखाएंगे। गाइस आगे सामने ये देख लीजिए, पूरा ये खिड़की वगैरह टूटा फूटा दिख रहा है, और सामने हम आपको और दिखाते हैं। देखो इधर नल भी है पता नहीं कितना पुराना, और ये पूरा संस्था है। और अभी हम उस गाइस आप जैसे कि हमारे सामने देख रहे हैं भाई, पूरा देखो इतने बड़े बड़े जंगल से जम गए हैं क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं ठीक है। और ये देखो पूरा टूटा फूटा एकदम मतलब कबाड़ सा हो गया पूरा ये गेट वगैरह ठीक है। और ये ऊपर देखो पेड़ वगैरह ऐसे भाई खतरनाक से दिख रहे हैं कि कुछ कह नहीं जा सकता, और आवाज़ ही आ रही है गाइस। एक मिनट, ये देखो गाइस पूरा टूटा फूटा है, और चमगादड़ देखो उधर गया चमगादड़ गाइस, इसके अंदर से चमगादड़ भी आ रहा है, और हम अंदर चलते हैं एक बार। ये गाइस देखो छिपकली चिपकी हुई है इसमें। तो गाइस अभी हम इस रूम के अंदर आ गए, और आप जैसे कि हालत इसका देख सकते हो, पूरा एकदम देखो इतना ज्यादा जाला वगैरह लगा है, और नीचे देखो कितने भाई पत्ती वगैरह मतलब कि रूम के अंदर इतने ज्यादा पत्ती वगैरह पड़ी हुई है। और एक गेट इधर है सामने दिखा रही हूं, गेट भी नहीं खुल रहा गाइस। तो भाई इतना रात में इतनी टाइम में इधर आए तो थोड़ा बहुत हमको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि भाई तीन लोग हो गए, पहले तो दो लोग थे और इसमें मोटे मोटे जाले लगे, देखो पूरा एकदम भूतिया सा एकदम बहुत ज़्यादा है। और इस साइड में आते हैं आप, ये गाइस देखो इधर किचन उचन बना है, और इस साइड में भाई ये बाथरूम वगैरह है शायद, इधर का इधर इस साइड बाथरूम वगैरह है। गाइस जैसे कि आप सामने देख रहे हैं पूरे घर के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ जम गए क्योंकि इधर आता जाता कोई भी नहीं है, और ये पूरा गेट पूरा खाली है। डर अभी से महसूस हो रहा है भाई, और रात में एक तो ठंडी का मौसम हो गया है। ये देखो पेड़ की भाई कैसे शोर वगैरह ऊपर नीचे आ गई है शोर वगैरह देखो। तो गाइस हमारे सामने देखो एक पोटरी से पता नहीं क्या चीज़ बंधा हुआ है, और इसमें क्या टपक रहा है भाई काला काला सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इधर से आ जाओ बाहर निकलते हैं। पूरा देखो गाइस पूरा बहुत ज़्यादा भूतिया सा लग रहा है गाइस। अब इसके हम अंदर आए हैं, तो ये रूम बना है, और रूम के बगल में ही देखो इतने बड़े बड़े शोर से मतलब शोर लटके हुए हैं पूरे पेड़ के, इतना ज़्यादा भयानक भाई डर वाली फीलिंग आ रही है ना, हकीकत में आपको क्या बताएं। और इधर भी एक नल बना हुआ है, इधर भी नल लगाओ, ये देखो नल, और पता नहीं कितने भाई वर्षों से ये पूरा संस्था खाली है, पूरा इतना खतरनाक, पूरा गेट वगैरह 24 घंटे खुला रहता है ठीक है। और एक मिनट, आवाज़ कोई आ रही है गाइस अंदर से? ये गाइस अंदर से आवाज़ आ रही है, एक बार हम अंदर आते हैं। दूर दूर तक पूरा ये रूम ही रूम खाली है, ये देखो इधर भी किचन बना हुआ है, और ये पूरा टूटा फूटा पूरा रास्ता है। और एक मिनट इधर भी दिखाते हैं आपको गाइस, अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रुकना हमारे लिए खतरे से बहुत ज़्यादा वो नहीं है ठीक है। हम यहाँ से अब जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा हॉन्टेड प्लेस है, महसूस तो ऐसा हो रहा है कि सच में यहाँ पे भूत रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो कोई हमको कुछ दिखा नहीं।
गाइस अभी हम अंदर से मतलब कि बाहर आ चुके हैं, और एक चीज़ आपको बताना भाई भूल गए, ये गांव का पूरा ये भाई बॉर्डर बना हुआ है जाली, इधर लोग आते नहीं क्योंकि इस प्लेस को भाई हॉन्टेड प्लेस बताते हैं, इसलिए भाई इधर जाली लगा दिया गया है पूरा, इधर से लोग अंदर की साइड नहीं आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक एरिया है। फिलहाल अभी तो हमको भूत वगैरह कुछ नहीं दिखा, और अभी चलते हैं फिलहाल दूसरे लोकेशन पर, ठीक है। तो गाइस पूरा ही रोड खाली जैसा आप देख रहे हैं, पूरा देखो सुनसान हो गया, और फिलहाल अभी हम ही यहाँ पे मतलब मौजूद है, और अभी टाइम हो रहा है आपको गाइस दिखा दें 12:17, ठीक है। और अब यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट हॉरर ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और अलग सी फीलिंग आ रही है भाई, एकदम सिर और इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।